हेलो फ्रेंड्स, जमशेद जोन में आपका स्वागत है। मैं हूँ जेबा। दोस्तों, आज मैं मटन करी की एक स्पेशल रेसिपी बताने जा रही हूँ, जिसे हाई ब्लड प्रेशर वाले बिना झिझक मज़े से खा सकते हैं। जिसके लिए हाफ के जी मटन बिना चर्बी वाला, इसे मैंने अच्छे से धो लिया है। 2 बड़ी साइज़ की प्याज जिसे मैंने बारीक कट किया है, 3 तेज़ पत्ते, 2 मीडियम साइज़ का टमाटर जिसे मैंने बारीक कट कर लिया है, 1 टेबल स्पून सोयाबीन ऑयल, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 2 पिंच नमक। नमक आप अपने हाई ब्लड प्रेशर के हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। 4 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 3 दालचीनी के टुकड़े, 5 हरी मिर्च जिसके बीच में मैंने कट लगा दिया है, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, थोड़ी सी हरी धनिया। सबसे पहले मटन को गला लेना है प्रेशर कुकर में। 2 तेज़पत्ता, 1 कप पानी, हाई फ्लेम पर 4 सीटी लगाया है, फिर इसे मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट तक पकाया है। अभी मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है। मटन गल गया है, अब इसे पानी से निकाल लेना है, इसका पानी फेंक देना है। ऑयल गरम हो गया है, अब इसमें दालचीनी के टुकड़ों को डालना है, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, लौंग, 1 तेज़पत्ता। 20 सेकेंड्स के बाद इसमें प्याज डाल देना है। प्याज को ब्राउन करना है। प्याज ब्राउन हो गई है, अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देना है, हरी मिर्च, इसे अच्छे से मिक्स करना है, फिर नमक, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, इसे अच्छे से मिक्स करना है। फिर इसमें 1 टेबल स्पून पानी डाल देना है। अब इसे भूनना है। इसे मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट तक भूनने के बाद इसमें टमाटर डाल देना है। इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। अब इसमें 1/2 कप पानी डालना है। इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। अब इसे मीडियम फ्लेम पर ढक कर 5 मिनट तक पकाना है, ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। पांच मिनट हो चुके हैं इसे मीडियम फ्लेम पर ढक कर पकाते हुए। अब मसालों को अच्छे से भूनना है, टमाटर भी सॉफ्ट हो गया है। मैंने मसालों को 4 मिनट तक हाई फ्लेम पर भून लिया है। अब इसमें 1 कप पानी डाल देना है।
पानी आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा डाल सकते हैं। अब जब पानी में उबाल आ जाएगा तो इसमें बॉईल किया हुआ मटन डाल देना है। पानी में उबाल आ गया है, अब इसमें बॉईल किया हुआ मटन डाल देना है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। अब इसे ढककर मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट तक पकाना है। 5 मिनट हो चुके हैं इसे मीडियम फ्लेम पर ढककर पकाते हुए। अब मटन बनकर पूरी तरह से रेडी हो गया है। मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है। आप मेरी रेसिपी को फॉलो करके मटन करी बनाइएगा तो ब्लड प्रेशर बहुत कम बढ़ेगा। अब इसमें हरी धनिया डाल देना है। मिक्स कर देना है। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि मेरी यह रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। मैं अपनी न्यू रेसिपी के साथ जल्दी अगली वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।